नमस्कार दोस्तों, मैं सूरत से धर्मेंद्र शेठ बोल रहा हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। शायद आपको मालूम होगा कि इंग्लिश में थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंडीशंस होती है, थ्री टाइप्स। इसमें से सबसे जो पहली है वो प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं या फिर ओपन कंडीशन बोलते हैं। ये कंडीशन ऐसी है कि जो फुलफिल हो सकती है, दिस इज़ लाइकली टू हैपन, ऐसा हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो ये जो फर्स्ट टाइप की कंडीशन है उसको हम बोलेंगे इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द टेस्ट। अगर वो मेहनत करेगा, बहुत सारी मेहनत करेगा, तो वो टेस्ट में पास हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो ये यहाँ पर कंडीशन जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी और रिजल्ट जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लिख सकते हैं। उसमें हम मॉडल ऑक्सिलरी का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कैन, तो ही कैन पास द टेस्ट, ऐसा भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन, प्रोबेबल, जो होने की संभावना है। अगर आप इंडियन लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये जो कंडीशन है वो आपको फ्यूचर टेंस में लगेगा, लेकिन इंग्लिश में वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करेंगे इसका, अगर वो मेहनत करेगा, तो हिंदी में वो फ्यूचर टेंस है, लेकिन इंग्लिश में हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं। ये आपको याद रखना है। सो इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द टेस्ट। यहाँ पर तो एक्शन वर्ब वर्क है, इसलिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्क्स करके सेंटेंस बना दिया। कई सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होता, तो उसमें हम फॉर्म ऑफ टू बी, एम इज़ आर का उपयोग करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, इफ़ ही इज़ टायर्ड ही विल स्टे एट होम। अगर वो टायर्ड है तो वो बाहर नहीं जाएगा, वो घर पर रहेगा, ही विल स्टे एट होम। तो यहाँ पर इफ़ ही इज़ टायर्ड, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है लेकिन टू बी का उपयोग किया है। यहाँ पर एक्शन वर्ब है तो एस ई एस वाला ही शीट के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रोबेबल, ओपन, मतलब ये संभावना है, लाइकली टू हैपन। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ कंडीशन की, जिसको हम इम्प्रोबेबल टाइप करते हैं कहते हैं। इमेजिनरी कंडीशन है ये, ऐसा होने की संभावना नहीं है, फिर भी हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द टेस्ट, या फिर इफ़ ही वर्कड हार्ड ही कुड पास द टेस्ट। वुड और कुड दोनों का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हम कब यूज़ करेंगे, कि जब हमको मालूम है कि वो आदमी कभी भी मेहनत करता ही नहीं, फिर भी सिर्फ बोलने के लिए हम बोलेंगे इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द टेस्ट, बट द मीनिंग इज़ हमको मालूम है ही इज़ नॉट गोइंग टू वर्क हार्ड, वो मेहनत करने वाला है ही नहीं। अगर मेहनत करे तो पास हो सकता है, लेकिन वो करने वाला है ही नहीं। तो ये कंडीशन भी प्रेजेंट टाइम के लिए ही है। ये दोनों कंडीशन प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम के लिए ही है, फिर भी यहाँ पर हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये पास्ट टेंस जो है, सिंपल पास्ट टेंस, वो हमको बताता है कि ये इमेजिनरी है, ये होने वाला नहीं है। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड और ही कुड पास द टेस्ट। यहाँ पर वुड और कुड दोनों में से एक ले सकते हैं, और उसके बाद वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है, बेस फॉर्म, उसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा था कि अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो हमको फॉर्म ऑफ टू बी का यूज़ करना है। तो जैसे पहली कंडीशन में हमने एम इज़ आर में से लिया था, तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा पास्ट टेंस फॉर्म लेना है टू बी का, तो वॉज या वर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। दोनों का मीनिंग इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में सेम रहता है। तो ये एक सेंटेंस देखते हैं, इफ़ ही वॉज अ बर्ड और इफ़ ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई और ही कुड फ्लाई, दोनों ले सकते हैं। तो इफ़ ही वॉज अ बर्ड का मतलब क्या हुआ, कि अगर वो पंछी होता तो वो उड़ता या उड़ सकता, लेकिन वो संभावना नहीं है, ये सिर्फ बोलने के लिए हम बोलते हैं। जैसे इफ़ आई वॉज अ मिलियनर, मतलब मैं मिलियनर नहीं हूँ। इफ़ आई वर अ
medical practitioner. I could give an injection, but I am not a medical practitioner. So if I was a bird, if I were a bird, if he was a bird, if he was a millionaire, ये सब conditions imaginary है. इंटरव्यू में बहुत सारी बार आप देखेंगे सेकंड कंडीशन का प्रयोग. जैसे हम पूछेंगे किसी भी लोकल पॉलिटिशियन है, उसको हम पूछेंगे व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर. अभी तो वो एक लोकल पॉलिटिशियन है, लेकिन हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो आप क्या करते. तो ये हुआ हमारा इम्प्रोबेबल टाइप. ये भी हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं. अभी हम थर्ड टाइप लेंगे, इम्पॉसिबल टाइप. इम्पॉसिबल मतलब पास्ट में जो हो चुका है उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको हम इम्पॉसिबल टाइप करते हैं. ये कंडीशन एक ही कंडीशन ऐसी है जो पास्ट टाइम के लिए कंडीशन है. यहाँ पर हम बोलेंगे जैसे किसी का रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है, वो टेस्ट में फेल हुआ है, तो हम बोलेंगे इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द टेस्ट. मतलब उसने अगर जो मेहनत की होती तो वो टेस्ट में पास हुआ होता. ही वुड हैव पास द टेस्ट, या फिर ही कुड हैव पास द टेस्ट, वो पास हो सका होता, या ही माइट हैव पास द टेस्ट, वो शायद पास हुआ होता. सो यहाँ पर हम वुड, कुड और माइट तीनों ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, लेकिन सबका मीनिंग डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा. और यहाँ पर आपने देखा होगा कंडीशन जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो लेते हैं. इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द टेस्ट, ही कुड हैव पास्ड द टेस्ट, ही माइट हैव पास्ड द टेस्ट. ये जो थर्ड कंडीशन में है उसमें एक ऑल्टरनेटिव पैटर्न भी है. अगर आपको इफ़ यूज़ नहीं करना और यही सेंटेंस बनाना है तो आप इफ़ को निकाल सकते हैं, लेकिन हैड को आपको फर्स्ट इफ़ की जगह पे लाना पड़ेगा. तो हैड अगर मेरा यहाँ पे आ जाएगा और ही जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा. सो इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, इसकी जगह पे मैं बोल सकता हूँ या लिख सकता हूँ हैड ही वर्कड हार्ड. सिर्फ ये इफ़ निकाल के हैड और ही को इन्वर्ट करना है. हैड यहाँ पे आ गया और ही यहाँ पे चला गया. तो ये हमारा हुआ अनदर अल्टरनेटिव पैटर्न फॉर द थर्ड टाइप, इम्पॉसिबल टाइप के लिए. बाकी जो टाइप्स है उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन थर्ड टाइप में ये इन्वर्जन वाला पैटर्न पॉसिबल है. इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द टेस्ट. हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं. जैसे उसने अगर मुझे पूछा होता तो मैंने उसको बताया होता. If he had asked me, I would have told him. लेकिन उसने मुझे पूछा ही नहीं, right? If you had told me, I would have helped you. अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं मदद करता या मदद कर सकता. If you had told me, I could have helped you. तो ये कंडीशन भी बहुत ही कॉमन है. अगर सोच समझिए कोई स्टूडेंट फेल हुआ है और वो टीचर को जाके बोलता है, कंप्लेन करता है, इफ़ यू हैड टॉट प्रॉपरली आई वुड हैव पास द टेस्ट. तो टीचर ऐसा बोलेगा इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू कुड हैव पास द टेस्ट. तो चलिए देख लेते हैं एक बार रिवीजन. थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशन, थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंडीशंस. पहली है प्रॉबेबल, ओपन, लाइकली टू हैपन, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर वाली. इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द टेस्ट. सेकेंड है इम्प्रॉबेबल, इमेजिनरी, नॉट लाइकली टू हैपन, सिर्फ बोलने के लिए हम बोलते हैं, और इमेजिनरी बताने के लिए हम पास्ट टेंस फॉर्म यूज़ करते हैं. इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द टेस्ट, अगर वो मेहनत करे तो पास होता, लेकिन वो करने वाला है ही नहीं, हमको मालूम है. इफ़ ही वॉज अ बर्ड मीन्स ही इज़ नॉट अ बर्ड. इफ़ आई वर अ मिलियनेयर मीन्स आई एम नॉट अ मिलियनेयर. सो इफ़ ही वॉज अ बर्ड ही वुड फ्लाई और ही कुड फ्लाई. और थर्ड टाइप जो है वो इम्पॉसिबल टाइप है, जो हम चेंज नहीं कर सकते पास्ट के सिचुएशन या इवेंट या एक्शन को, इसलिए हम इसको इम्पॉसिबल टाइप बोलते हैं. इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द टेस्ट. इफ़ सचिन हैड प्लेड वेल इंडिया कुड हैव वन द मैच, या इंडिया वुड हैव वन द मैच, या इंडिया माइट हैव वन द मैच. ऐसा हम कम बोलेंगे जब सचिन अच्छा नहीं खेला था तब.
राइट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे थ्री टाइप्स ऑफ मेन कंडीशंस। उसमें मिक्स्ड टाइप भी हो सकती है, जैसे कोई पास्ट की एक कंडीशन है और प्रेजेंट रिजल्ट, ये दोनों को मिला के भी एक कंडीशन हो सकती है। जैसे उस वक्त उसने मुझे मदद नहीं की थी इसीलिए मेरी कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, तो ये पास्ट कंडीशन और प्रेजेंट रिजल्ट की बात कर रहे हैं। इफ़ ही हैड हेल्प मी आई वुड नॉट बी इन दिस बैड कंडीशन। इफ़ ही हैड हेल्प मी, अगर उसने मुझे उस वक्त मदद की होती आई वुडंट बी इन दिस कंडीशन नाउ, तो मेरी ये कंडीशन अभी ऐसी नहीं होती, इससे अच्छी होती, राइट। तो ऐसे मिक्स कंडीशन भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो दोस्तों ये हम हुए हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर आपको और भी टॉपिक्स के ऊपर जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल फ्लुएंट लिंग्वा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमारे और कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं, www.fluentlingua.com। मैं सूरत से बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र शेठ, नमस्कार।